बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। मैं सूरजराज, आज के दिन देखने वाले जो भी छात्र बीएससी सेकंड ईयर में है, यहाँ फिजिक्स का हम सेकंड पेपर लेकर आए हैं। केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी सबके पेपर हमने अपलोड कर रखे हैं, जो आपके 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। केवल इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन देने वाले हैं, जो एमजेपी आर्य उत्तराखंड यूनिवर्सिटी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चनों को याद करके 85% प्लस ला सकते हैं। मतलब कि मैं आपको 10 क्वेश्चन की बात नहीं, मैं बात कर 15 से 17 क्वेश्चन दिए थे मैंने पहले आपको, उन क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस ला सकते हैं। मतलब कि प्लस में आपको 80% प्लस देखने को मिलेगा, लेकिन ये 10 क्वेश्चन याद करके 70% प्लस ला सकते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर छप चुके हैं, सब काम हो चुका है, बस आपको पेपर देने जाने की जरूरत है। समझ रहे हैं ना, देरी है और आपको काम हो जाएगा 100%। मैं आपसे बोल रहा हूं, कोई भी दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं हूं, ठीक है। और दोस्तों को शेयर कर देना इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और किसी को डिस्टेंस बेस पे कोई एडमिशन चाहिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमएमएस, एमकॉम कोई करना चाहता है तो मुझे कांटेक्ट कर लेना, डिस्टेंस बहुत से करा देंगे, ठीक है। कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा, घर पे ही कॉपी लिख सकते हो, ये सब कुछ होता है, ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां ध्यान से देख लो, यहां देखिए, यहां बोला गया है गॉस का नियम और प्रमेय के बारे में। गॉस का नियम क्या होता है और प्रमेय क्या होती है, अब इसको देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। विद्युत द्विध्रुवण किसे कहते हैं, विद्युत विभव किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन पर टिक लगा लिया, 3 क्वेश्चन यहाँ क्लियर हो गए, लगा लिया। और आपको मैंने देखो यहाँ भी गॉस की प्रमेय तो आपको 100% पूछा जाएगा, ये फिर विद्युत के माध्यम से पूछ ले या परावैद्युत के माध्यम से पूछ ले, लेकिन पूछेगा जरूर। परावैद्युत ध्रुवणता की परिभाषा, ध्रुवणता की परिभाषा मैं ऊपर बता चुका हूँ, इसको पढ़ लेना एक बार, ध्रुवणता की परिभाषा के बारे में, ठीक है बेटा, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद में क्या है, एम्पियर की परिधीय प्रमेय के बारे में, इसको पढ़ेंगे। और वैद्युत क्षेत्र का, इसको छोड़ दीजिएगा, नीचे जाइए, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के धारावाहिक कुंडली पर बलागुण, बलागुण आपका पूछा जाएगा बेटा, बलागुण आपसे पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को याद कर लेना है। और बाकी अदिश अदिश करिए, छोड़ दीजिएगा। और नीचे हम जाएंगे मैक्स, देखो मैक्सवेल वही पढ़िए जो पेपर में छप रहा है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, मैक्सवेल के समीकरण को पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना ऊपर बता चुका हूँ, इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में है देखो, यहाँ देखो सतत समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, अनिल ब्रह्मा गुलाम, ये दोनों क्वेश्चन 100% आपके पेपर में छप रहे हैं बेटा, ये दोनों छप रहे हैं आपके पेपर में, देख लेना। उसके बाद में कह रहा है फैराडे के विद्युत चुंबक के प्रण के नियम, ये वाला आप याद करेंगे, फैराडे के विद्युत चुंबक के प्रण के नियम, ये वाला क्वेश्चन पूरा याद करेंगे, ठीक है। उसके बाद में है, नीचे जाइए, ये देखिए, ये है वीटाट्रॉन क्या होता है, वीटाट्रॉन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में छपेगा आपसे, वीटाट्रॉन क्या होता है, ठीक है, विद्युत, इसको छोड़ दीजिएगा। देखिए चुंबकशीलता को पढ़ लेना, चुंबकशीलता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, चुंबकशीलता को पढ़ेंगे। और यहाँ देखो आपका खत्म हो चुका है, यहाँ चुंबकीय व्यवहार के आधार पदार्थों का वितरण छोड़ दीजिएगा। ये आप देखिए जो सेथली हाउस होता है, इसके बारे में पढ़ के जाइएगा, बायल सेवर्ट के नियम को पढ़ के जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वही बता रहा हूँ जो आपके पेपर में छपेगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर बता चुका हूँ, इसको छोड़ दीजिएगा। और आपको क्या करना है, कूलाम के नियम को पढ़ लेना है, कूलाम के नियम को, कूलाम के गॉस के नियम से कूलाम का नियम कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो आप देख लीजिए। क्यूरी नियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, शुद्ध प्रण गुणांक बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, शुद्ध प्रण गुणांक क्या होता है आप इसको पढ़ेंगे। और लास्ट में ये वीडियो यहाँ खत्म करते हैं हम लोग, बस यही करना है। लॉरेंज बल क्या होता है इसको पढ़ लेना है आपको, ठीक है, और टेरॉइड को छोड़ देना, और ये वाला पैरावैद्युत स्थिरांक, पैरावैद्युत स्थिरांक, ठीक है, कॉन्स्टेंट बोलते हैं इसको, इसको आप पढ़ लेना है, बाकी इसको छोड़ दी। बस इतना ही क्वेश्चन था, 2022 में आने वाले क्वेश्चन है ये, 2022 में आने वाले क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, आने वाले प्रश्न की बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन याद करके आप 85% प्लस नहीं बल्कि 70% प्लस मिलेंगे, केवल इतने से क्वेश्चन पढ़ लोगे तो, मतलब कि आप फर्स्ट डिवीजन से बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। केवल आप पेपर हैकर के साथ रहिए, हमेशा अच्छा होगा, कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मिले वो सबसे पहले मिले और हर वीडियो को देखा करें। थोड़ा सा शेयर कर दिया करें वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सअप पर, जो भी आप चला रहे हैं, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाकी मिल देंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट थर्ड में, क्योंकि इसका थर्ड पेपर रहेगा, उसको आप क्लियर कराते हैं, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।